करूंगा कि रोड वाइंडिंग के काम में मदद करिए, आपको जो भी मुआवजा मिलना है वो निश्चित मिलेगा और उसके लिए मैं निश्चित प्रयास करूंगा। मैं किसी के ऊपर अन्याय करके विकास नहीं चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसमें किसी को भी नुकसान न हो और सबको फायदा हो, ये हमारा प्रयास है। लेकिन बहुत दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुंबई महानगर पालिका ने मलाड में अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी बिल्डिंग को किया ध्वस्त। मुंबई के मलाड एसवी रोड पर स्थित 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग लंबे समय के बाद मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने जमीन ध्वस्त किया है। मलाड के एसवी रोड के बीच में ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की वजह से एसवी रोड पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लंबे समय से बीएमसी असिस्टेंट इंजीनियर प्रवीण मुले और सब इंजीनियर पेपर वर्क कर रहे थे। लंबे समय बाद फिलहाल आज महानगर पालिका ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला किया और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग टूटने के बाद न सिर्फ एसवी रोड ट्रैफिक कम होगा बल्कि रोड चौड़ाई भी बढ़ने वाली है। 25 पुलिस और 17 बीएमसी अधिकारियों की निगरानी में इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया गया। इस काम में बीएमसी के कुल 17 अधिकारी जुटे थे, जिसमें पी नॉर्थ के मेंटेनेंस विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मंदार चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने में जुटे थे। पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिगवकर ने बताया, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। 1923 में जुगल किशोर नामक इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। 100 साल पुरानी है जो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। इसमें कुल 31 टेनेंट रहते थे। बिल्डिंग तोड़ने के लिए 50 मजदूर, 17 बीएमसी अधिकारी, 2 फोकलाइन, 1 जीसीबी, 10 डंपर और 25 पुलिस वाले लगे हैं। 24 घंटे में बिल्डिंग को तोड़कर मलबा भी हटाने का काम हो जाएगा। मलाड एसवी रोड के बीच में बिल्डिंग होने के कारण यहां लंबा ट्रैफिक होता था। फिलहाल अब ये रोड भी चौड़ा हो जाएगा और लोगों को ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी। सांसद गोपाल शेट्टी ने बिल्डिंग तोड़े जाने के बाद मुंबई महानगर पालिका व वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया। साथ ही सहयोग करने वाले बिल्डिंग वालों का भी धन्यवाद किया। मुंबई महानगर पालिका ने मलाड में अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी बिल्डिंग को किया ध्वस्त। मुंबई के मलाड एसवी रोड पर स्थित 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग लंबे समय के बाद मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने जमीन ध्वस्त किया है। मलाड के एसवी रोड के बीच में ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की वजह से एसवी रोड पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लंबे समय से बीएमसी असिस्टेंट इंजीनियर प्रवीण मुले और सब इंजीनियर पेपर वर्क कर रहे थे। लंबे समय बाद फिलहाल आज महानगर पालिका ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला किया और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग टूटने के बाद न सिर्फ एसवी रोड ट्रैफिक कम होगा बल्कि रोड चौड़ाई भी बढ़ने वाली है। 25 पुलिस और 17 बीएमसी अधिकारियों की निगरानी में इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया गया। इस काम में बीएमसी के कुल 17 अधिकारी जुटे थे, जिसमें पी नॉर्थ के मेंटेनेंस विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मंदार चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने में जुटे थे। पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिगवकर ने बताया, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। 1923 में जुगल किशोर नामक इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। 100 साल पुरानी है जो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। इसमें कुल 31 टेनेंट रहते थे। बिल्डिंग तोड़ने के लिए 50 मजदूर, 17 बीएमसी अधिकारी, 2 फोकलाइन, 1 जीसीबी, 10 डंपर और 25 पुलिस वाले लगे हैं। 24 घंटे में बिल्डिंग को तोड़कर मलबा भी हटाने का काम हो जाएगा। मलाड एसवी रोड के बीच में बिल्डिंग होने के कारण यहां लंबा ट्रैफिक होता था। फिलहाल अब ये रोड भी चौड़ा हो जाएगा और लोगों को ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी। सांसद गोपाल शेट्टी ने बिल्डिंग तोड़े जाने के बाद मुंबई महानगर पालिका व वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया। साथ ही सहयोग करने वाले बिल्डिंग वालों का भी धन्यवाद किया। मुंबई महानगर पालिका ने मलाड में अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी बिल्डिंग को किया ध्वस्त। मुंबई के मलाड एसवी रोड पर स्थित 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग लंबे समय के बाद मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने जमीन ध्वस्त किया है। मलाड के एसवी रोड के बीच में ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की वजह से एसवी रोड पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लंबे समय से बीएमसी असिस्टेंट इंजीनियर प्रवीण मुले और सब इंजीनियर पेपर वर्क कर रहे थे। लंबे समय बाद फिलहाल आज महानगर पालिका ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला किया और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग टूटने के बाद न सिर्फ एसवी रोड ट्रैफिक कम होगा बल्कि रोड चौड़ाई भी बढ़ने वाली है।
25 पुलिस और 17 बीएमसी अधिकारियों की निगरानी में इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया गया। इस काम में बीएमसी के कुल 17 अधिकारी जुटे थे, जिसमें पी नॉर्थ के मेंटेनेंस विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मंदार चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने में जुटे थे। पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिग्वकर ने बताया, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। 1923 में जुगल किशोर नामक इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। 100 साल पुरानी है, जो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। इसमें कुल 31 टेनेंट रहते थे। बिल्डिंग तोड़ने के लिए 50 मजदूर, 17 बीएमसी अधिकारी, 2 फोकलाइन, 1 जीसीबी, 10 डंपर और 25 पुलिस वाले लगे हैं। 24 घंटे में बिल्डिंग को तोड़कर मलबा भी हटाने का काम हो जाएगा। मलाड एसवी रोड के बीच में बिल्डिंग होने के कारण यहां लंबा ट्रैफिक होता था। फिलहाल अब ये रोड भी चौड़ा हो जाएगा और लोगों को ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी। सांसद गोपाल शेट्टी ने बिल्डिंग तोड़े जाने के बाद मुंबई महानगर पालिका व वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया। साथ ही सहयोग करने वाले बिल्डिंग वालों का भी धन्यवाद किया। मुंबई महानगर पालिका ने मलाड में अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी बिल्डिंग को किया ध्वस्त। मुंबई के मलाड एसवी रोड पर स्थित 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग लंबे समय के बाद मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने जमीन ध्वस्त किया है। मलाड के एसवी रोड के बीच में ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की वजह से एसवी रोड पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लंबे समय से बीएमसी असिस्टेंट इंजीनियर प्रवीण मुली और सब इंजीनियर पेपर वर्क कर रहे थे। लंबे समय बाद फिलहाल आज महानगर पालिका ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला किया और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग टूटने के बाद न सिर्फ एसवी रोड ट्रैफिक कम होगा, बल्कि रोड चौड़ाई भी बढ़ने वाली है। 25 पुलिस और 17 बीएमसी अधिकारियों की निगरानी में इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया गया। इस काम में बीएमसी के कुल 17 अधिकारी जुटे थे, जिसमें पी नॉर्थ के मेंटेनेंस विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मंदार चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने में जुटे थे। पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिग्वकर ने बताया, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। 1923 में जुगल किशोर नामक इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। 100 साल पुरानी है, जो पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। इसमें कुल 31 टेनेंट रहते थे। बिल्डिंग तोड़ने के लिए 50 मजदूर, 17 बीएमसी अधिकारी, 2 फोकलाइन, 1 जीसीबी, 10 डंपर और 25 पुलिस वाले लगे हैं। 24 घंटे में बिल्डिंग को तोड़कर मलबा भी हटाने का काम हो जाएगा। मलाड एसवी रोड के बीच में बिल्डिंग होने के कारण यहां लंबा ट्रैफिक होता था। फिलहाल अब ये रोड भी चौड़ा हो जाएगा और लोगों को ट्रैफिक से निजात भी मिलेगी। सांसद गोपाल शेट्टी ने बिल्डिंग तोड़े जाने के बाद मुंबई महानगर पालिका व वार्ड ऑफिसर किरण दिघावकर और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया। साथ ही सहयोग करने वाले बिल्डिंग वालों का भी धन्यवाद किया। मुंबई महानगर पालिका ने मलाड में अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी बिल्डिंग को किया ध्वस्त। मुंबई के मलाड एसवी रोड पर स्थित 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग लंबे समय के बाद मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ वार्ड ने जमीन ध्वस्त किया है। मलाड के एसवी रोड के बीच में ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की वजह से एसवी रोड पर लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लंबे समय से बीएमसी असिस्टेंट इंजीनियर प्रवीण मुले और सब इंजीनियर पेपर वर्क कर रहे थे। लंबे समय बाद फिलहाल आज महानगर पालिका ने इस बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला किया और बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग टूटने के बाद न सिर्फ एसवी रोड ट्रैफिक कम होगा, बल्कि रोड चौड़ाई भी बढ़ने वाली है। 25 पुलिस और 17 बीएमसी अधिकारियों की निगरानी में इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया गया। इस काम में बीएमसी के कुल 17 अधिकारी जुटे थे, जिसमें पी नॉर्थ के मेंटेनेंस विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मंदार चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने में जुटे थे। पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिग्वकर ने बताया, ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। नमस्कार। मलाड एसवी रोड पर जुगल किशोर नामक बिल्डिंग को आज मुंबई महानगर पालिका द्वारा तोड़कर रोड वाइंडिंग का काम होने वाला आने वाले दिनों में। इस काम के लिए मैं किरण दिगावकर, जो हमारे असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर है, उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं। इस काम में जो बिल्डिंग के लोगों ने सहयोग दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, मुंबई महानगर पालिका जो मुआवजा दे रही है वो कम है। आप लोगों को ज्यादा पैसे मिले, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं और निश्चित होगा जिससे आने वाले दिनों में मुंबई शहर के सारे रास्ते हम बड़े करने में सफल हो पाएंगे। और इसके बगल में एक पुलिस विभाग का भी एक स्ट्रक्चर है, जो पुलिस के लोग सरकार के साथ में और भी ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और वो भी हम जल्दी से निकाल कर पुलिस लोगों से भी निवेदन करूंगा कि रोड वाइंडिंग के काम में मदद करिए। आपको जो भी मुआवजा मिलना है वो निश्चित मिलेगा और उसके लिए मैं निश्चित प्रयास करूंगा। मैं किसी के ऊपर अन्याय करके विकास नहीं चाहता हूँ।
सबका साथ सबका विकास जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उसमें किसी को भी नुकसान ना हो और सबको फायदा हो, ये हमारा प्रयास है। लेकिन बहुत कोर्ट कचहरी कोई ना करे, विलंब ना करे, बहुत परेशानी हो रही है ट्रैफिक में लोगों को, खास करके सामान्य लोग जो रिक्शा में सफर करते हैं उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक बार टप होता है तो 2.5 रुपया डायरेक्ट उनके खीसे से चला जाता है और टप टप करके जो हार्ट बीट उनका बढ़ता है, जिससे बीमारियां मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। आइए हम सब लोग मिलकर जितना हो सके उतना जल्दी मुंबई शहर के सारे रास्तों को बड़ा करके देश के प्रधानमंत्री जो 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसमें मुंबई शहर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और इसलिए मुंबई शहर के ट्रैफिक में अगर लोग दिन में 2.5 घंटे चर्ची गेट से दहिसर जाने के लिए और दहिसर से चर्ची गेट जाने के लिए अगर गवाते हैं तो इसमें व्यापारी वर्ग का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और जो मजदूर वर्ग है उनको भी दिन के 2-3 घंटे अनावश्यक गंवाने पड़ते हैं। तो इस काम को हम बहुत तेजी से 2023 में आगे बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सबके साथ और सहयोग की अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।